मंडे मॉर्निंग, आज सिर्फ मॉर्निंग नहीं है, मंडे ही है। सो मंडे है और मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ऑलमोस्ट 8:39 हो चुके हैं, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाना है। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ बेसन के चीले, बट इस बार डिफरेंट स्टाइल। सो ज़रूर देखिएगा कि मैं क्या डिफरेंट कर रही हूँ बेसन के चीले में, जो रेगुलर हमेशा मैं बनाती हूँ या आप लोग भी बनाते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट कर लूँगी, पहले मैं बेसन घोल लेती हूँ, उसके बाद बाकी का प्रोसेस किया जाएगा। अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए विदाउट एनी लम्स हमको बना लेना है बेटर। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर, थोड़ा सा अजवाइन, सॉल्ट। जिनको भी गैस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनको स्पेशली अपने खाने में काले मिर्च, अजवाइन, ये सब चीज़ इंक्लूड करना चाहिए। एंड मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी हींग, बिल्कुल थोड़ी सी। सो हींग भी बहुत अच्छी होती है अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सो आप ये ज़रूर डालिए। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कर्ड। आप ये देख सकते हैं यहाँ मैंने ये सब कट करके रखा हुआ है, तो ये सब मुझे ग्राइंड कर लेना है। सो ये सब डाल दोगे करते मिक्सचर जार में। आप चाहे तो ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं, बट ऑगी खाने वाला है इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको कर लेंगे ग्राइंड। ये बिल्कुल ऐसे कोर्सली मैंने ग्राउंड कर लिया है। सो सारा कुछ डाल लिया, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जितना अगर थोड़ा पानी चाहिए तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, पतला, बहुत पतला नहीं, बहुत मोटा नहीं, और मीडियम थिक बैटर आपको बनाना है। सो ये मेरा बैटर हो चुका है रेडी। मेरा पैन तवा जो है गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल के बना देती हूँ। हर एवरी टाइम हम सेम अगर खाते हैं ना चीज़ें तो बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी उससे, तो कभी कभी उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट चीज़ें करके हम उसको बोर होने से बच सकते हैं। सो इसलिए मैंने ये ट्राई किया है आज पहली बार, और ये हो भी गया, जल्दी कुक भी हो जाते हैं ये। तो ये जो है डिफरेंट काइंड ऑफ बेसन का चीला। सो रेडी है चीला, एक बार ट्राई करके देखिएगा, और बच्चों के लिए अच्छा भी है अगर आप वेजिटेबल ग्राइंड कर दें तो वो इजीली खा भी लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी रिकॉर्डिंग करने के लिए फ़ोन उठाया है मैंने। सो बहुत ही बिजी थी मैं, ऑगी को लंच करा के उसके बाद पढ़ाने बिठाना था, क्योंकि जैसे मैं उसको पढ़ने के लिए बोलती हूँ उसको भूख लग जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले उसको लंच करा देती हूँ उसके बाद ही पढ़ने बिठाऊँगी। और उसके लिए मैंने कैबेज और दाल पहले बना दिए थे, और अब मैं हमारे लिए एक सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं। मैं बना रही हूँ आज पत्ता गोभी के कोफ्ते। पहली बार मैं इसमें उबले हुए आलू डाल के ट्राई कर रही हूँ। मेरी नानी पत्ता गोभी और जो आलू डाल के पकौड़े बनाती थी तो बहुत टेस्टी लगता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें आलू डाल के ट्राई किया जाए। पहले मैं सिर्फ पत्ता गोभी और बेसन के पकौड़े बना के, मतलब कोफ्ते जैसे बना के किया करती थी। तो मैंने पत्ता गोभी को बॉइलिंग वाटर में थोड़ी देर सॉल्ट के साथ डाल के रख लिया है, उसके बाद उसको अच्छे से पानी निकाल दिया है। अब इसमें मैं आलू मैश कर रही हूँ। तो पत्ता गोभी को थोड़ा कुक कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो आपके ब्रेन में जाके ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, ये मैंने सुना है। सो इसलिए पत्ता गोभी को अच्छे से पहले बॉइलिंग वाटर में डाल के थोड़ी देर रख दीजिए, उसके बाद उसका पानी निकाल के यूज़ कीजिए। अब ये हो गया है, इसमें मैं अपने मसाले डाल रही हूँ, रेड चिली, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर एंड हल्दी भी डलेगी इसमें। सो हल्दी पाउडर डाल दिया, और हम डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसमें फिर डालेंगे बेसन। तो बेसन जितने रिक्वायर्ड है उस हिसाब से डाल लीजिए कि आपके एक अच्छे से बाइंड हो जाए, बॉल की शेप ले ले। सो मैंने रिक्वायरमेंट बेसन ले लिया है, अब इसको मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। सो अब ये जो है अच्छे से देखिए ये बॉल बन गए हैं। इनको मैं डीप फ्राई, हमेशा होता है कि बॉल की शेप का बना के आप उसको डीप फ्राई करते हैं कोफ्ते को, तो मुझे बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करने का मन नहीं था,
तो इसलिए मैंने इनको ऐसा टिक्की जैसा वाला शेप दे दिया है ताकि कम तेल में ये अच्छे से फ्राई हो जाए। बस इनको फ्राई कर लेंगे पहले। अब बनाएंगे ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑलरेडी ऑयल ले लिया है। इसमें मैं थोड़े तेज पत्ते और एक सिनेमन स्टिक डाल रही हूँ। इसके बाद मैं डालूँगी, अब इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग जो मैं हमेशा डालती ही डालती हूँ, और अब इसमें मैं डाल दूँगी बारीक कटे हुए अनियन एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट है। वहाँ जो मैं बहुत हड़बड़ी में हूँ इसलिए मैंने ग्रेट या कट नहीं किया ये वाला यूज़ कर लिया है। बहुत जल्दबाजी में रहती हूँ तभी मैं ये यूज़ करती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, जब अनियन कुक हो जाएंगे उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। ये जो कोफ्ते हैं मेरे ये रेडी हो चुके हैं, इन्हें मैं निकाल लूँगी। अब ये मेरे अनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है कुक हो चुके हैं। अब इसमें मैं दो टमाटर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी अपने सारे मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची एंड जीरा पाउडर, एवरीथिंग। मसाला मेरा भून गया है, इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूंगी और पानी डाल के हम एक बॉईल ले आएंगे इसमें। उसके बाद हम हमारे जो है कोफ्ते ऐड करेंगे। ये इसमें बॉईल आ गया है जो ग्रेवी में। अब इसमें मैं सारे अपने कोफ्ते डाल दूंगी और थोड़ी देर इसको के थोड़े सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे, देन ये हो जाएगा रेडी। तो मेरे देखिए यम्मी यम्मी कोफ्ते हो गए हैं रेडी। यम्मी ज़रूर बने हैं इसलिए बोल रही हूँ यम्मी, वरना नहीं बोलती। इसको बढ़िया धनिया के साथ गार्निश कीजिए। मेरा धनिया हो चुका है ख़त्म, इसलिए मुझे ऐसे ही आपको दिखाना पड़ रहा है, बट ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी बना था। लंच एंड रेडी, कम जॉइन अस। Where are you going with Molu? Watch my TV. He likes watching TV. How Molu makes noise? अभी इसकी स्टडी ख़त्म हुई है, मैंने बोला कि जाके 1 घंटा टीवी देख ले, उसके बाद फिर से इसकी आज से अरबी को ऑनलाइन अरबी क्लासेस स्टार्ट करवा रही हूँ मैं, तो वो करना है क्योंकि अभी स्कूल खुलेगा बट हम ऑगी को स्कूल नहीं भेजेंगे, और ऑनलाइन स्टडी जो स्कूल की तरफ से होगी वो भी हम शायद नहीं करवाएंगे, ये हमने सोचा है। सो ऑलरेडी उसका ऑनलाइन जो 1-to-1 क्लासेस चल रही हैं और अरेबिक की भी लगा दी, तो टेंशन नहीं है। जब सिचुएशन सही होगी, वैक्सीन आ जाएगी, सब कुछ सही होगा, उसके बाद ही हम उसका एडमिशन करवाएंगे स्कूल में, ये हमारी प्लानिंग है। तो वॉट हेल्प, प्लीज हेल्प 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 इन इंटरनेट कनेक्ट नेटवर्क कनेक्शन इन माय यूट्यूब। ओके आई एम कमिंग, गो गो बैक। हाँ अब लगता है ऑगी के साथ साथ मैं भी अरबिक शायद सीख ही जाऊँगी। आज उसकी फर्स्ट क्लास ही, तो थोड़ी देर उसके साथ बैठी थी, तो नंबर, यार नया लैंग्वेज सीखना कितना डिफ़िकल्ट होता है, और मेरे लिए तो इट्स वेरी 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 इम्पॉसिबल, मैं तो कभी सीख ही नहीं सकती। न्यू लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ठीक ठाक गई उसकी क्लास, होमवर्क और मिला है, सुबह की क्लास कभी मिलेगा, अरबिक कभी मिलेगा, पता नहीं बेचारे का क्या होगा होमवर्क करते करते। तो अभी टीवी देख रहा है, उसके बाद कराऊंगी होमवर्क, थोड़ी बहुत तो मैं सीख ही जाऊंगी, लाइक अलिफ अल्फाबेट्स, बा ता था जिम हा खा, आपको बता रही हूँ मैं अरबिक के जो प्रोनंसिएशन होते हैं अल्फ़ाबेट के, एक दो तो मैंने भी सीखे, अलिफ बा ता था जिम हा, थोड़े थोड़े बहुत सीख लूँगी। जब हैदराबाद में रहती थी ना तभी भी मैंने वहाँ से 1 to 10 तक ना काउंटिंग याद करी थी, वहाँ से आई भूल गई, तो अभी थोड़ा 1 to 10 तक काउंटिंग या थोड़ा अल्फ़ाबेट ज़रूर याद कर लूँगी मैं, उसके बाद फिर भूल भी जाऊँगी। तो मज़ा आता है सुनकर नए नए जो लैंग्वेजेस होते हैं उनके वो। और अभी अभी 6 बजने वाले हैं, हस्बैंड की फरमाइश पे बन रहा है, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा काम करते करते, तो थोड़ा चाय वाय पीने का मन होता है, तो आजकल ऐसे बन रही है चाय वगैरह शाम को।
सो ऑलमोस्ट आई थिंक हो गया है। ऐसे ही यूट्यूब पे देख रहे थे यार, ये विनोद है कौन, मतलब विनोद 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 यूट्यूब में इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है ये विनोद। मतलब जैसे मैंने वीडियो में देखा है तो उसका शायद कोई चैनल है और उसका नाम भी विनोद है, वो कमेंट में भी विनोद लिखता है, ये कर करके ना वो वायरल हो गया। सो भाई मुझे भी अपनी तरह वायरल कर दो, तुम्हारा क्या पता तुम्हारा नाम लेने से मैं भी थोड़ी वायरल हो जाऊँ, मेरे भी थोड़े व्यूज़ व्यूज़ बढ़ जाएं। तो विनोद भाई अपना थोड़ा आशीर्वाद दे दो कि सर पे हाथ रख दो कि थोड़ा हम मेरी भी व्यूज़ सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। तो मैंने सोचा कि विनोद क्यों ना विनोद भाई के नाम से आज एक वीडियो बनाई जाए, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए, विनोद भाई का कुछ आशीर्वाद हो जाए और मेरी भी वीडियो थोड़ी सी वायरल हो जाए। सो वैसे अब नहीं हो सकती वायरल क्योंकि ये आई थिंक 1 वीक से पहले से वायरल हो रहा है, तो अब वायरल होने का जो वायरल फीवर है वो डाउन चला जा चुका है। सो ये अगर मैं शायद पहले करती तो कुछ फ़ायदा भी मिलता, अब नहीं मिलने वाला। फिर भी बड़ा मज़ा आता है कि YouTube में ऐसा होता है कि कोई भी फनी सी चीज़ होती है जो वायरल। वेरी गुड, कब कब किसकी किस्मत के दरवाजे खुल जाए कुछ नहीं पता। सो विनोद भाई के दरवाजे सिर्फ उनके नाम से ही खुल गए, विनोद। सो आज का मेरा भी ये वीडियो में विनोद 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 में बहुत बार बोल रही हूँ, तो क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। तो चलिए फिर, और पता नहीं मेरी वीडियो में भी बहुत, आज मैंने कुकिंग वुकिंग करी थी वो सब कर रहा दिखाया था। तो विनोद भाई का नाम लेते हुए मैं आज का वीडियो 6 बजे यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। प्लीज़ विनोद भाई गिव मी सम ब्लेसिंग्स।